साथियों, आज हालत यह है कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। और दीदी क्या क्या बोल रही है, उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है, ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं, यहां के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा दो बार बोलता हूं, दीदी, ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा, दीदी ने कहा तुम साला खूनी का राजा, खूनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है, मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू, ढीला हो गया है। देखिए बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही गालियां जरा आपके सामने प्रस्तुत की है। भाइयों और बहनों, दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। देश की जनता, बंगाल की समृद्ध विरासत, यहां के लोगों की वाणी, वर्तन,
उस पर गर्व करती है। बंगाल ने, बंगाल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए दीदी की इन गालियों ने मोदी का अपमान किया हो ऐसा नहीं है, दीदी ने इन गालियों से बंगाल के कल्चर, यहां की मिठास भरी भाषा, यहां की महान परंपरा को भी शर्मसार कर दिया है।